क्या गलती है इनकी? क्या कौन हाथ उठा के दे रहा हूँ? मैंने फिर से शुरू रोको इसको सुनो, मिस्टर जो महिला से नहीं बात कर सकते लेकिन इसको मार रहे हो, सुनो हटो यार यहाँ से, सामने से हटो, मुझे आधार दो, मुझे ऑर्डर दिखाओ, मुझे वारंट दिखाओ, और अगर नहीं है तुम्हारे पास और तो हाथापाई करने की कोई हक नहीं है रोकने का हमें, हम चार लोग हैं, दिखाओ मुझे लीगल बेसिस अपना, क्या समझ रखा है? लोगों को मार सकते हो, किसानों को कुचल सकते हो, तो समझ रखा है कि हमें भी रोक लोगे? देखो इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ, छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो, और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है, कर रहे हो ये धाराएं सब पे लगेंगी और नाम से लगेंगी, समझे? नाम से लगेंगी। मैम इधर जाना, मैम कुछ नहीं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिनको तुम लोगों ने मारा है, समझे? जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रही हो, नहीं नहीं मैम, समझे? गाड़ी के नीचे कुछ रहा है, मैं उससे बड़ी नहीं हूँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, मैं कुछ नहीं। आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से, और तुम हाथ नहीं लगाओगे। मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, संविधान के प्रति, किसी मुख्यमंत्री के प्रति नहीं है, किसी पार्टी के प्रति नहीं है। नहीं, मैं गलत तरफ नहीं जा रही हूँ, मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूँ, आप गलत तरफ पे हैं और आप भटक गए अपने रास्ते से। परसेप्शन है, अपनी जगह सोच रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। आप बताइए, आप संविधान को कैसे प्रोटेक्ट करें? आपके डिस्ट्रिक्ट में आप नो योर एजेंडा है, व्हाई आर यू स्टॉपिंग मी इफ इट इज नॉट पॉलिटिकल? कहीं आप बताइए, मैं उत्तर प्रदेश में ढाई साल से काम, यहाँ कहीं मेरे जाने से कुछ अरबा। देखिए, जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है तो एकदम उसके लिए लफ्ज ही नहीं है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं। जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को ख़त्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है, किसानों ने बनाया है, किसानों ने सींचा है। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है, क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं मुझे, गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? मैं जब सीओ को बुला रही हूँ तो वो छुप रहा है, छुप क्यों रहा है? अगर सही काम कर रहा है तो छुप क्यों रहा है?